मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सिडनी के कुडोस बैंक एरेना में भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। भारत ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता भरोसे और सम्मान पर टिका है। पीएम मोदी ने कहा, मैंने पिछले दौरे के वक्त 2014 में वादा किया था कि ऑस्ट्रेलिया को फिर से किसी भारतीय पीएम के लिए 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा था, मोदी इज द बॉस। पहली बार यहाँ ऑस्ट्रेलिया में किसी प्रधानमंत्री का इतना भव्य स्वागत हुआ है। पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर रिश्तों को और मजबूत करेंगे। पीएम मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर कहा, एक समय था जब हमारे संबंधों पर 3C, 3D और 3E पर आधारित बताया जाता था, मगर अब इन संबंधों का आधार आपसी विश्वास और सम्मान है। हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। हमारे यहाँ त्यौहार भले ही अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम दिवाली की रौनक और बैसाखी जैसे त्यौहारों से जुड़े हुए हैं। हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। सिडनी के पास भी लखनऊ नाम की एक जगह है। ऑस्ट्रेलिया में कश्मीर मालाबार जैसी स्ट्रीट से भारत की झलक दिखती है। भारत के पास सामर्थ्य और संसाधनों की कोई कमी नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी और युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत के पास है। भारतीय कहीं भी रहे, उनमें एक मानवीय स्वभाव मौजूद रहता है। भारत हर संकट में मदद और समाधान के लिए तैयार रहता है। भारत अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर देखता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार बढ़ रही है। जल्द ही दोनों देशों के बीच ट्रेड दोगुना हो जाएगा। पीएम मोदी ने भाषण में कई अहम घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दूसरे की डिग्रियों को मान्यता देने पर बातचीत आगे बढ़ी है। इसका दोनों देशों के स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। वहीं ब्रिस्बेन में भारत का नया कॉन्सुलेट खोला जाएगा। भारतीय मूल के लोगों से पीएम ने कहा, विदेश में रहते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहें। आप वहां भारत के एम्बेसडर हैं। मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि आप जब भी भारत आए अपने साथ ऑस्ट्रेलियाई परिवारों को भी लाए। इससे उन्हें भारत की संस्कृति को समझने का मौका मिलेगा। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।